गाइज वेलकम यू ऑल सो एस एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिम से टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है गाइज ओके जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है सो यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो टू इस वीडियो में इन डिटेल बात करने वाले द स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ओके सो स्टेड विद मी थ्रूआउट दिस वीडियो और जो भी आपके डाउट है हम क्लियर करेंगे लास्ट मैंने एक क्वेश्चन पूछा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर क्या बीकॉम बी ए बी एस सी की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर एमसीए और येस गाइज अब जो NIMSET का एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि इफ यू okay? so वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है ऑल दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो ऐसा नहीं आया है कि ऑल कैंडिडेट कांट अप्लाई बट या अगर उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस में दिया है और उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये मेंशन भी किया है एनी ग्रेजुएट डिग्री विथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज मैंडेटरी सब्जेक्ट ओके सो वो एक सब्जेक्ट मैडेटरी जरूर है क्लिक करेंगे उसके पहले डाउनलोड ब्रॉशर ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस ब्रॉशर दीज ऑल नाइन एनजार्टिसिपेटिंग एग्जाम होने वाला है इलेवेंथ ऑफ जून ओके नाउ वेरी फर्स्ट वन इस ब्रॉशर को गोथ्रू कर लो और उसके बाद फॉर्म फिलअप करो काफी अच्छा टाइम है आपके पास ओके द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग इज ऑफ अप्रैल सो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है चार दिन लगाओ पांच दिन लगाओ लेकिन इस वीडियो को एटलीस्ट एक से दो बार जरूर देखो मिस्टेक नहीं करनी काफी सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं एप्लीकेशन फीस ट्वेंटी कैंडिडेट एंड ट्वेल्व हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज फॉर एस टी फॉर एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यू डी कैटेगरी कैंडिडेट नाउ कम टू द एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी पार्ट डायरेक्टली और एलिजिबिलिटी पार्ट क्या कहता है इस इलिजिलिटी क्राइटेरिया टू अर फॉर ट्वेंटी थ्री सो मार्क्सेंट और फिफ्टी फाइवीए की बात करें तो सिक्स किया एनी प्रोग्रामीटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ दिसके सेकेंड है बी बी टेक अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है बीसीए किया है बहुत अच्छी बात है लेकिन यहां लगता है कि बी ए बी कॉम और बी एस सी के कैंडिडेट भी निमसेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और होगा ही और होगा क्यों नहीं गाइस देखो पहले दस एनआईटी थी अभी नौ हो चुकी है ऑल दो एक एन आपके पास ऑलरेडी है सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है कुरुक्षेत्र का ठीक है लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले अप्लाई करते थे अब इतने नहीं कर रहे हैं और महाराष्ट्र एमसी ऑल दो सारे स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहा है कि आप कर सकते हो निमसेट वहां नहीं करता था लेकिन निमसेट अब इन्होंने मेंशन कर दिया एनी ग्रेजुएट डिग्री ओके सो लेट्स कम टू द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस डायरेक्टली So guys, before moving further, we have launched the batches for the MCA entrance such as Maharashtra MCA CT and the NIMSET. So all those candidates who want our preparation, you can join our classroom sessions at Mumbai. Call on respective numbers and book your seat at Dadar, Borivali, Vasai, and Thane center. And pan India students, you can interact live with us. So call on 8828581455. Here you can interact live with us, and even you can enroll for the online programs. You will get all these features: the complete mentorship, motivation, thoroughly cognitive effects, and complete guidance about the counseling process.

अब ये जो डिटेल्स आप फिल कर रहे हो मोबाइल नंबर एंड ई एड्रेस थ्रू आउट द प्रोसेस शुड बी सेम प्रोसेसिंग प्रोसेस के समय भी सारे अपडेट्स आपको यही आने वाले हैं ओके सो एंटर योर मोबाइल नंबर एंड जनरेट ओटीपी ना ओटीपी ऑलरेडी सेंड टू दी मेल सो चेक मेल बॉक्स नाउ वेलिडेट ओटीपी सो ओटीपी हैज बीन बिन सक्सेसफुली नाउ कम टू द डिक्लेरेशन पार्ट आई एग्री एंटर कैप्चा एंड री वेरीफाई सो नाउ यू हैव टू वेरीफाई सो फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट यस करेक्ट है ओके okay. डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है इट्स ओके जेंडर मोबाइल नंबर ई मेल आई डी एवरीथिंग इज करेक्ट क्लिक चेक बॉक्स एंड सबमिट राइज कोई भी मिस्टेक नहीं करनी वापस आपको बार बार इसलिए पूछ रहे ताकि आपने यहां कोई मिस्टेक तो नहीं किया चेक कर लेना आपका जो नाम है द नेम शुड बी एज पर योर मार्कशीट ओके नाव ओके सो दिज ऑल आर माई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप ये नोट कर सकते हो दिस इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर ओके एंड नाउ गो टू द एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ क्लिक कर लेना है आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन भी कर सकते हो ना क्लोज इट सो इंपॉर्टेंट नोट काइंडली यूज एज क्रोमियम ओके नाउ इंपॉर्टेंट नोट गो थ्रू ऑल दिस फील्ड मार्क विद स्टार आर मैंडेटरी सो नाउ वी हैव टू फील द पर्सनल डिटेल्स सो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी एंटर हो चुका है नेम ऑलरेडी एंटर यू यू कांट एडिट इट ओके डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है फादर्स नेम ओके सेलेक्ट योर कैटेगरी ओपन ओके एप्लीकेंट फोटो आईडी सो विच पर्टिकुलर आईडी यू आर चूजिंग पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आई ओके जस्ट क्लिक एनी वन आइडेंटिफिकेशन नंबर ओके पर्सन डिजेबिलिटी नो ओके कॉन्टैक्ट डिटेल्स अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर दो ओके अल्टरनेट मेल आई डी नॉट मैंने ओके एड्रेस डिटेल्स सेलेक्ट स्टेट सिटी ऑल यू हैव टू टाइप ओके सो मेक श्योर सारे डिटेल्स आप करेक्ट एंटर करो एंड पिनकोड नाव सेव एंड प्रोसीड सो डेटा सेव सक्सेसफुली ओके नाउ एग्जाम डिटेल्स सो टेंटेल्स फर्स ऑफ द स्कूल बस आपको एंटर ही करना है सारी डिटेल्स नेम ऑफ द बोर्ड सो मैंने यहां एंटर कर दिया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ईयर ऑफ पासिंग क्लास टेंशन कर दो रिजल्ट टाइप परसेंटेज और सीजीपी इफ यू आर एंटरिंग सीजीपी हो गई है तो आपको यहाँ सीजीपी मेंशन करना है इफ परसेंटेज सेलेक्ट कर रहे हो देन सेलेक्ट परसेंटेज सो परसेंटेज में यहां सेलेक्ट कर लेता हूं ओके नाउ ट्वेल्थ डिटेल्स सो सेम कॉलेज नेम then name of board, year of passing, result type, percentage, again, okay, काफी simple process है guys final exam details. so UG program of minimum three years, yes or no, ठीक है mention कर सकते हो. c, अगर UG program of minimum three years, मैंने यह yes select कर दिया, although UG program तो three years का ही होगा minimum, right? बाकी सारे जो candidates हैं, शायद हो सकता है four years का program हो, लेकिन यहाँ देखो, mathematics और statistics और बोथ एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ यूजी प्रोग्राम इफ नॉट देखो महाराष्ट्र सिटी को लेकर ट्वेल्थ में मैथ्स होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में यहां सिर्फ आपके ग्रेजुएशन में मैथ्स होना जरूरी है सो इफ यू आर सेलेक्टिंग यस इट्स ओके आप एलिजिबल हो इफ यू आर सेलेक्टिंग नो ये क्लियर बोल देगा आपको यू आर नॉट एलिजिबल फॉर निमसेट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री ओके सो सेलेक्ट अकॉर्डिंगली यहां यस डिग्री सेलेक्ट कर लो अब देखते हैं कि भाई बीकॉम से अलाउ करते हैं कि नहीं चलो मैंने यहाँ बीकॉम सेलेक्ट कर लिया फाइनल एग्जाम स्टेटस क्या है अपीयरिंग हो सेलेक्ट कर लो ईयर आ जाएगा नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट द यूनिवर्सिटी यहां सेलेक्ट कर, कर लो मुंबई यूनिवर्सिटी ठीक है इंस्टीट्यूट नेम मैंने यहां सेलेक्ट कर दिया वापस रिजल्ट टाइप चलो परसेंटेज ले, ले लेते हैं और परसेंटेज यहाँ मेंशन कर देते हैं ठीक है सेवन प्रोसीड नाउ डेटा सेव सक्सेसफुली अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटो स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर देन स्कैन कॉपी ऑफ फोटो आई डी जो आपने पैन कार्ड लिया है आधार कार्ड लिया है जो भी टेंथ मार्क्सिट ट्वेल्थ मार्कशीट फाइनल इन मार्क्सिट ओके अपलोड करना है और पेमेंट फीस करनी है पेमेंट कंप्लीट करनी है एंड यहां एग्री पे क्लिक करना है इंटर कैप्चा एंड सबमिट सो यहां प्रोसेस हो जाता है आपका

प्रफर टेस्ट स्टेट सो स्टेट यहां पहले सेलेक्ट करना है और उसके रिस्पेक्टिव जो आपके पास सिटीज आने वाली है वो आपको सेलेक्ट करनी है तो यहां मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया महाराष्ट्र में से मुझे सिटी मिल रही है पुणे ठीक है अगेन चलो मैं वापस चेक कर लेता हूं कि महाराष्ट्र से मुझे और कोई सिटी मिल रही है कि दूसरी नहीं मिल रही है दैट मीन्स आई हैव टू सेलेक्ट डिफरेंट स्टेट होगी सो नियर बाय स्टेट जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना जैसे मैंने महाराष्ट्र किया फिर मैंने यहाँ गुजरात सेलेक्ट कर लिया गुजरात से सूरत यहाँ कर लिया या थर्ड प्रेफरेंस दे देते और नियर बाय देना पड़ेगा अब तो चलो एमपी मध्य प्रदेश दे देते और मध्य प्रदेश की एक सिटी सेलेक्ट कर लेते भोपाल या फिर इंदौर ओके तो इंदौर मैंने सेलेक्ट कर लिया सिटी प्रेफरेंसेस आर गिवन ओके सो मैक्सिमम चांसेस है कि पुणे में मुझे कोई ना कोई सेंटर मिलेगा ओके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हो चुके हैं सारे डॉक्यूमेंट्स इट्स oh, okay. ओके एप्लीकेबल फीस ओके टू थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड रुपीज आई है सबमिट प्लीज़ व्यू अपलोडेड इमेज बिफोर सबमिट हाँ भाई देख लिया मैंने चलो इसे सबमिट कर देते हैं व्यू पे क्लिक कर लो हाँ फोटो सही है अच्छा दिख रहा है ठीक है एवरीथिंग इज करेक्ट सबमिट चेक प्रिव्यू ओके डिक्लेर्ड योर इंटर कैप्चा सबमिट और फाइनली आपको बस पेमेंट